233वां अध्याय मृत्युष्टक स्तोत्र। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों अब मैं मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा कहे गए मृत्युष्टक स्तोत्र को बतलाता हूँ, जो स्तोत्र इस प्रकार से है। कि दामोदरम प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति शंख चक्र धरम देवम व्यक्त रूपणम अव्ययम् अदोक्षजं प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति वराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करक्षेत्रबीजं पुण्यं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति इदुद्दीर्धमाकर्ण्यं स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपया तस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैः प्रपीडितः इति तेन द्विजो जितो मृत्युर्मार्कण्डेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृशिम्भे नास्ति दुर्लभम्। मैं भगवान दामोदर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। मैं शंख चक्रधारी भगवान अव्यक्त अव्यय अदोक्षज की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं वराह वामन विष्णु नृसिंह जनार्दन माधव के शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। मैं पुराण पुरुष भगवान पुष्कर क्षेत्र के बीजभूत महापुण्य जगतपति लोकनाथ के शरण में हूँ, तो मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र सिर वाले अव्यक्त अव्यय सनातन महायोगेश्वर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा यज्ञ योनि अयोनिज विश्वरूप भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, तो अब मृत्यु मेरा क्या कर ले। इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर विष्णु दूतों से संतरस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुंडरीकाक्ष भगवान नृसिंह महाविष्णु के प्रसन्न होकर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह मृत्युष्टक स्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला है और मंगल प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्तोत्र को कहा था। जो मनुष्य नित्य तीनों काल में पवित्रता से भक्तिपूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदय कमल में प्राण पुरुष सनातन अप्रमेय तथा सूर्य से भी अत्यधिक तेजस्वी नारायण का ध्यान करता है, प्यारे वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 234वां अध्याय अच्युत स्तोत्र। सूत जी ने कहा, सौनक जी अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूँगा, जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है। देवर से नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जैसा वर्णन किया था वैसा ही आपको सुनाता हूँ। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय वर प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहिए वह बताने की कृपा करो। वे सभी प्राणी धन्य हैं, उन सब का जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले हैं, उन्हीं सज्जनों का जीवन सार्थक है जो भगवान अच्युत विष्णु की सदैव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, मैं भगवान वासुदेव का वह स्तोत्र जो प्राणियों को मोक्ष देने वाला है और जिस स्तोत्र के द्वारा पूजा काल में सम्यक स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं उसे आपको सुनाता हूँ। आप सुने, वह स्तोत्र निम्न प्रकार से है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्वागहारणे नमो विशुद्ध देहाय नमो ज्ञान रूपिणे नमो ज्ञान रूपिणे पूजां कर्तुं तथा स्तोत्रं कः शक्नोति तवाच्युत स्तुतं च पूजितं मेद्य तत्क्षमस्व नमोऽस्तु ते। मैं उन भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ
जो सभी पापों को हरण करने वाले हैं। मैं विशुद्ध देह वाले ज्ञान स्वरूप सभी देवताओं के स्वामी श्री वत्सधारी, ढाल और तलवार को धारण करने वाले, कमल की माला धारण करने वाले, जगत के प्रतिष्ठित पीताम्बर से अलंकृत नृसिंह रूप और वैकुंठ मूर्ति श्री विष्णु को प्रणाम करता हूँ। मेरा उन देव को प्रणाम है जिनकी नाभि में कमल है और क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं, जो शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथ में परशु है और जो क्षत्रियों के गर्भ का अंत करने वाले हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो अजित हैं, जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं और चक्रधारी हैं, उन कल्याण मूर्ति सूक्ष्म स्वरूप और पुराण पुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बल के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामन तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ वराह का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्री हरि को मेरा बारंबार प्रणाम। हे परमानंद स्वरूप, हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर ज्ञान स्वरूप, हे देव, हे प्रमाद अद्वितीय भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे विश्वकर्ता, हे विश्वभावन, हे विश्वनाथ, हे विश्व के कारणभूत, हे मद दैत्य का विनाश करने वाले, हे रावण का नाश करने वाले, हे कंस तथा केसी को मारने वाले प्रभो, कैटव दैत्य को मारने वाले प्रभो, आपको मेरा बार बार प्रणाम। हे पद्मलोचन, हे गरुड़ध्वज काल नेम के हंता गरुड़ासन, हे देवकी पुत्र, हे विष्णु नंदन, हे रुक्मिणी कांत, हे आदित्य नंदन, हे गोकुलवासी, हे गुरुकुल प्रिय, आपको मेरा बार बार प्रणाम। हे गो बपु श्री कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, हे गोवर्धन धारी, हे गोकुल वर्धन, आपकी जय हो, जय हो। हे दैत्यराज रावण के संहार करने वाले प्रभु, चाणूर दैत्य का नाश करने वाले, वृष्णवंश के प्रकाशक काले मर्दन का दमन करने वाले, हे सत्य स्वरूप संसार के साक्षी, हे सर्वसाधक प्रभु, हे वेदांतियों के वेद्य प्रभु, सब कुछ देने वाले प्रभु, हे माधव, मैं आपके शरण में हूँ, आपके आश्रय में हूँ प्रभु। हे सबके आश्रय, हे अव्यक्त, हे सर्वत्र व्याप्त, हे लक्ष्मीकांत, हे सूक्ष्म चिदानंद, हे चित्त निरंजन, हे इंद्रालंब, हे शांत, हे सनातन प्रभो, हे नाथ, हे जगत प्रभो, भगवान विष्णु आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभो, मैं आपके शरण में हूँ, आपको मेरा प्रणाम। हे हरे, आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं, आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल हैं, आप ही न्यास मुद्रा और दीक्षा हैं, आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादिक साधन हैं, आप ही आधार शक्ति धारण करने वाले हैं, अनंत कूर्म पृथ्वी पद्म धर्म ज्ञान वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों के स्वरूप में आप विद्यमान हैं। हे विभो, आप ही छल का भेदन करने वाले हैं, आप ही खर दूषण का संहार करने वाले राम हैं, आप ही महर्षि, आप ही देव, आप ही विष्णु, आप ही सत्य पराक्रम नृसिंह परानंद धरा को धारण करने वाले महावरा हैं। हे विभो, आप ही संपूर्ण विश्व के ब्रह्मांड के आधार हैं, आप ही सुवर्ण शंख चक्र गदाधारी हैं। हे देव, आप ही लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती माला श्रीवत्स कौस्तु सारंगी तथा तूर्णी तरकस रूप को धारण करने वाले हैं। हे प्रभु, ढाल और खड़ग से युक्त आप इंद्रादिक दिग्पाल देवता के रूप में विद्यमान हैं, आप ही विधाता और आप ही धाता हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही यम अग्नि कुबेर ईशान इंद्र वरुण राक्षसों के स्वामी साध्य वायु चंद्र सूर्य वसु रुद्रगण अश्विनी कुमार तथा मरुदगण हैं, आप ही दैत्य दानव नाग यक्ष राक्षस पक्षी गंधर्व अप्सरा सिद्ध पितृजन तथा देवगण हैं, आप ही पृथ्वी आदि पंच महाभूत शब्दादिक विषय स्वरूप और अव्यक्त इंद्रियां हैं, आप ही मन बुद्धि एवं अहंकार तत्व हैं, आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं, आपकी जय हो दयालो, आपको मेरा प्रणाम। हे हरे, आप ही यज्ञ वसटकार ओंकार समिधा और कुश हैं, आप ही यज्ञ वेदी हैं, यज्ञ दीक्षा हैं, यज्ञ यूप हैं, अग्नि यजमान पत्नी प्रोडास यज्ञशाला स्वरूप स्वरूप तथा सोमरस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष भी आप हैं, आप सब कुछ हैं मेरे दयालु, आप ही यज्ञ की संपन्नता के लिए दक्षिणायुक्त सदस्य और आप ही यज्ञ के संपादन के लिए उपयोगी सूर्पादिक उपकरण ब्रह्मा हैं, मूसल तथा ओखली भी आप ही हैं, आप ही निश्चित रूप से होता यजमान धान्य पशु याजक अध्वरी उद्गाता यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपको मेरा बार बार प्रणाम दयालो, बार बार प्रणाम।
यज्ञ पुरुष भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देव, आप ही दिशा पाताल पृथ्वी आकाश स्वर्ग एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं। आप ही देव त्रियक तथा मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत भी आप ही हैं प्रभु। यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है। इन सब को सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। हे ब्रह्मन, यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कलुष योग गम्य इंद्रियातीत अक्षय प्राण पुरुष नित्य अव्यय अजन्मा अव्यक्त प्रलय और उत्पत्ति से रहित सर्वव्यापक ईश्वर सर्वज्ञ निर्गुण शुद्ध परमानंद अजर बोध स्वरूप अटल शांति पूर्ण अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव, अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है उसके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आपका मन से भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्म स्वरूप है उसकी आराधना करने से क्या मैं समर्थ हूँ? आपकी कृपा हो तो प्रभु मैं आपकी आराधना करूँ। हे नाथ, जीव की बुद्धि अथवा जीव का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह आपका स्तवन कर सके। यहाँ पर इस पूजा मंडल में यथाविधि धूप दीप आदि के द्वारा संकर्षण आदि नाम भेदों से आपकी जो मैंने पूजा की है ये सभी विभूतियाँ आपकी ही हैं। दयालु, मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है वह सब आप मुझे क्षमा करें। हे विभो, यथोक्त रूप से मैंने आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकी। जो मैंने जप होम आदि किया है भक्तिपूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असाध्य है, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, दिन रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे। आपके चरण युगल में मेरी एक निष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ, मेरी जैसी प्रीति अपने शरीर से है उससे कई गुना अधिक प्रीति धर्माधिक कार्यों में नहीं है जो होनी चाहिए। हे जगन्नाथ, आप ऐसी कृपा करें कि आप में मेरी आत्यंतिकी प्रीति हो जाए। सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिनसे दृढ़ भक्ति कर ली उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किन कर्मों को नहीं किया। हे अच्युत, आपके पूजन और स्तुति करने में कौन समर्थ है? आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति करी उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा आपको प्रणाम। हे मुने, मैंने भली प्रकार से आपको यह चक्रधर स्तोत्र सुना दिया। यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हो तो परात्पर विष्णु की भक्तिपूर्वक यह स्तुति करें। पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है वह शीघ्र ही संसार के बंधन को काट कर मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मुने, अन्य जो कोई भी पवित्र होकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्री विष्णुदेव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन पूजन करता है वह अपने समस्त अभीष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर लेता है। भगवान यथा कीर्ति प्राप्त करता है। भाग्य कीर्ति यश ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जानने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है, सभी सत्कर्मों का करता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है। जो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करता है इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत हैं जिनका कोई भी सत्कार भगवान हरि के उद्देश्य से संपन्न नहीं होता। वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है। जिसकी सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान विष्णु में अचल भक्ति नहीं है। मनुष्य सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान हरि की विधिवत पूजा करे तो कुछ भी कामना उसकी असाध्य नहीं रहती, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनिजन देवता चिंतन करते हैं, वे ही विशुद्ध ब्रह्म ब्रह्म हैं
जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्यों के साक्षी हैं, जो भय वरण विहीन हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं, ऐसे अज अमृत ईश वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं समस्त संसार के स्वामी सुप्रसन्न शाश्वत अति विशुद्ध विमल विशुद्ध इंद्रमल आत्मस्वरूप और समस्त मूलों के मूल भगवान नारायण की भाव पुष्प से पूजा करता हूँ। मेरे हृदय कमल में सर्वसाक्षी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदा विराजमान रहें। प्रार्थना करो कि सकल मुनि विराज्य चिंतयते यो हि शुद्धो निखिल हृदय निवेष्टो वेत्य सर्वसाक्षी तमजमृतमीशं वासुदेवं नतोऽस्मि भयमरणविहीनं नित्यमानन्दरूपं निखिलभुवननाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं त्वत्विमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पैः सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावम् विशतु हृदय पत्नी सर्वसाक्षी चिदात्मा। इस प्रकार हे परमात्मा, मैंने आदि अंत से रहित प्रात पर ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भलीभांति परमेश्वर का चिंतन करे। इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमल विशुद्धात्मा श्रेष्ठ अद्वितीय विष्णु का चिंतन करके उनमें तदाकार नहीं हो जाए। जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है वह श्री विष्णु के समान ही हो जाता है, प्रशांत चित्त तथा पाप से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ धर्म काम और मोक्ष स्वरूप पुरुषार्थ की कामना करता है अथवा संपूर्ण सौख्य चाहता है वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष का वरण करने योग्य विष्णु की शरण में जाता है, इसलिए उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो वाणी विभु सबके स्वामी विश्व को धारण करने वाले विशुद्धात्मा समस्त संसार के विनाश के हेतु विमल भगवान वासुदेव की शरण में अनासक्त भाव से जाता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। के विभुम प्रभुम विश्वधरम विशुद्धम अशेष संसार विनाश हेतु यो वासुदेवं विमलं प्रपन्नः स मोक्षमाप्नोति विमुक्त संगः।